हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में टेस्ट का तो पूछो ही नहीं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स, अभी होली भी आ रही है और होली पर बहुत सारे मेहमान आते हैं, तो आप अपने मेहमानों को इस तरीके की नई रेसिपी बना के खिलाएंगे तो मेहमान तो आपसे पक्का इम्प्रेस हो जाएंगे। तो चलिए इस टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चटनी तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने खूब सारी हरी धनिया ले ली है, इसको हमने अच्छे से धोकर साफ करके ले लिया है। और इसके साथ हमने थोड़ी सी ताज़ी पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं, साथ में हमने 4 से 5 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है 1 इंच तक। सारी चीज़ों को हमने जार में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे। अगर आपके पास नींबू है तो आप 1 नींबू का जूस इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे चटनी का कलर भी मेंटेन रहता है और चटनी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो चटनी हमारी बिल्कुल हरी ताज़ी दिखे, इसके लिए हम थोड़े से आइस क्यूब इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर चटनी तैयार कर लेंगे। तो चटनी को हमने पीस कर तैयार कर लिया। इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और खटास के लिए हम 1 चम्मच अमचूर का पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू ही डालिएगा, इससे चटनी का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अमचूर का पाउडर डालने से चटनी में सिर्फ खटास आती है, नींबू डालने से चटनी का कलर बिल्कुल खिल के आता है, यही डिफरेंस होता है दोनों में। तो चटनी को अभी हम साइड में रख लेते हैं, तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने उबले हुए आलू को अच्छे तरीके से मैश करके ले लिया है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप आलू उबालें, आलू थोड़ी गर्म रहे तभी आप उसको छील कर किसी ग्रेटर से ग्रेट करके हाथों से अच्छे तरीके से मसल दें। तो जब आलू पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, आप उसको मैश करते हैं तो अच्छे से मैश नहीं होता है, उसमें गुठलियाँ रह जाती हैं। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आलू को थोड़ा सा गर्म रहे तभी आप उसको मैश कर लें। तो आलू के अंदर हमने 2 बड़ी चम्मच तक मैदा, साथ में हमने 2 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, इसको डाल देंगे। और इसके साथ हम डालेंगे कुछ सब्जियां। यहाँ पर हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च को बारीक कट करके लिया है, 1 प्याज को बारीक कट कर लिया है। और इसके साथ हमने थोड़ी सी ग्रेटेड गाजर और साथ में हमने थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया ले ली है, इसको डाल देंगे। साथ में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालें, हल्का सा ही डालना है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप इसके अंदर चाट मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं, या कोई भी और मसाले आपको पसंद हो तो आप अपनी पसंद से थोड़े से मसाले ऐड कर सकते हैं। तो हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेंगे। ये हमारा डो तैयार हो गया। और नाश्ते को बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हम मैदे का घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच मैदा लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। तो हमने घोल तैयार कर लिया है। अब हम आलुओं का डो ले लेंगे और इसमें से 1 बड़ा पोर्शन लेकर इसको हाथों से पहले चिकना कर लेंगे। तो इसको बनाने से पहले हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें और आप देख सकते हैं हम इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए घुमाते जाएंगे। इस तरीके से हम एक कटोरी का शेप तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कटोरी शेप का बना लिया है। अब हम मैदे की स्लरी ले लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। तो ये मैदे की स्लरी हम अंदर और बाहर दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे। मैदे का घोल बहुत ही हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा। आलू हमारी थोड़ी सी गीली हो गई है, इसमें शायद मैदा या कॉर्नफ्लोर थोड़ा कम है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसमें घोल लगाने के बाद हम थोड़ी सी सेवैयाँ ले लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा डालकर प्रेस करते हुए दबा देंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी सेवैयाँ लेकर इसके अंदर और बाहर दोनों साइड में लगा देंगे। तो इस तरीके से हम ऊपर और नीचे सेवैयाँ लगा देंगे और आप देख सकते हैं सेवैयाँ लगाने के बाद ये टिक्की हमारी बिल्कुल घोंसले जैसी दिख रही है। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। सबसे पहले आप गैस पर कढ़ाई थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके बाद ही आप तेल डालें। तो अभी हम तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, आँच को हम धीमा कर देंगे और धीमी आँच पर इस नाश्ते को फ्राई करेंगे। तो इनको फ्राई करने से पहले आँच को आप ज़रूर चेक कर लें। जब आपका तेल बहुत ज़्यादा खौलता हुआ रहेगा तो नाश्ता ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारी घोंसले वाली टिक्की जल्दी से फ्राई हो जाए, इसके लिए हम ऊपर से भी गरम गरम तेल डालते जाएंगे और थोड़ी देर बाद इसको हम पलट देंगे। तो ये टिक्कियाँ हमारी एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, इनको हमने पलट दिया है और दूसरी साइड से भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो हमारी टिक्कियाँ बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, अच्छा सा कलर आ गया है, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं देखने में लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर, खाने में तो इसका टेस्ट पूछो ही नहीं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है।
तो हमारी घोंसले वाली टिक्की बनकर तैयार हो गई है। इनको सजाने के लिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा मखाना रख देंगे। अगर आपके पास पनीर है तो आप पनीर के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रख सकते हैं। तो इसको फ्राई करने के बाद अगर आपको चटनी के साथ खाना है तो आप चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं, लेकिन अभी हम चाट बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी होली भी आने वाली है और होली पर लोग चाट और दही बड़े ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इस नई तरीके की चाट को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगी, साथ में मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चाट बनाने के लिए यहाँ पर हमने मटर को पहले ही उबाल के रखा था, इसको हमने प्लेट में डाल दिया है। इसमें हम ऊपर से हरी धनिया वाली चटनी डाल देंगे। तो ये हमने हरी धनिया की तीखी वाली चटनी डाल दी है। इसके बाद हम इमली की मीठी वाली चटनी डाल देंगे, इसको हमने पहले ही तैयार करके रखा है। तो हमने खट्टी और मीठी चटनी डाल दी है। अब हम थोड़ा सा दही डालेंगे। दही आप खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर से हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। हरी मिर्च आप खाना पसंद करते हैं तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके बाद ऊपर से हम थोड़ा सा सफ़ेद नमक, काला नमक छिड़क देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। ये घर में तैयार किया हुआ चाट मसाला है। इसमें हमने एक बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी काली मिर्च को धीमी आंच पर भूनकर पीस लिया है। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे। आप पत्ता गोभी या बीटरूट भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। और इसके ऊपर आप थोड़े से अनार के दाने, थोड़े से ताजे अंगूर डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप इस चाट को ऐसे ही खा सकते हैं। तो हमारी मटर की चाट बनकर तैयार हो गई है। इसके ऊपर हम ये टिक्की वाला घोंसला रख देंगे।